नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लास। आज मैं आपको यूजीसी नेट का सिलेबस यूनिट फर्स्ट बताने वाली हूँ, जिसमें जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है या जो भी पढ़ाना है, उससे पहले ये जान लें कि हाँ कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है, जो कि न्यू सिलेबस में ऐड हुई है। तो ये देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा आ जाता है, वो है फूड साइंस। न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक होता है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें हमारा आ जाएगा कि इनके न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, फूड साइंस क्या है, और इनके टाइप्स कौन से, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे जो पोषण हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड में हमारा जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें कि हाँ कौन कौन सी इसमें चेंजेस आती है फूड में, फूड को लेकर के कौन कौन सी चेंजेस रहती है, स्मेल और भी जितनी चीज़ें हैं, टेस्ट में क्या चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी इसमें आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड में। फिर हमारा तीसरा आ जाता है क्वालिटी इवोल्यूशन ऑफ फूड। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखना है, इनकी क्या क्या मतलब मूल्यांकन किया जाएगा इनकी गुणवत्ता में, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जिसमें हम कुकिंग के मतलब प्रभाव देखेंगे, उनकी प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कुकिंग। एंड इसकी प्रोसेसिंग, यस, प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स। ये देख लेंगे। और फूड प्रिजर्वेशन एंड एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें तो पहले वाला ही सिलेबस है। एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फूड पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स, ठीक है। ठीक है, तो ये सब देख लेंगे इनमें कौन कौन सी मिलावट है। फिर हमारा रहेगा फूड स्टैंडर्ड्स माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड। ये भी पहले का ही सिलेबस है, बायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड। और ये वाला भी पहला ही टॉपिक है HACCP,
फिर है फूड, इसी में सब आ जाएगा, फूड पैकेजिंग भी इसी में पढ़ेंगे। ओके, फूड पैकेजिंग। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ये रहेगा ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका था परसेप्टिव्स ऑफ फूड सर्विस। सर्विस जिसमें हम मेन्यू प्लानिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और फूड कॉस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पूरे 10 टॉपिक हैं, फिर उसमें आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक। तो हमारे 8 टॉपिक हो गए हैं इसमें। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाएगा फूड सर्विस मैनेजमेंट, यस, फूड सर्विस मैनेजमेंट, जिसमें हम उसमें ये देख लेंगे कि जो लेवल कौन से होते हैं फूड सर्विस मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, उसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, वो सारी चीज़ें। लास्ट आपका जो ये रहता है 10 टॉपिक आपका रहेगा रिसर्च मेथड का, ठीक है, रिसर्च मेथड्स का जो रहेगा टॉपिक। इसमें फंडामेंटल इश्यूज, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, नीड, रिलीवेंस, स्कोप एंड एथिक्स इन रिसर्च। ये सब हमारा जो फर्स्ट पेपर का रिसर्च एंड एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें का ये जो लास्ट वाला टॉपिक है वो उसमें ऐड कर दिया गया है। लेकिन रिसर्च मेथड का कौन सा टॉपिक ऐड किया गया है फर्स्ट यूनिट में, वो है फंडामेंटल इश्यूज, कॉन्सेप्ट, नीड, रिलीवेंस, स्कोप एंड एथिक्स इन रिसर्च, ठीक है। एथिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स, इश्यूज, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें इसमें फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक में आ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है, जैसे कि ये पहला टॉपिक था फूड सर्विस एंड मैनेज एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बाकी डिटेल में उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पहला टॉपिक फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो हम आते हैं इधर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, जो कि न्यूट्रिशन का बताया गया है कि क्या है, उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है, होता क्या है, टाइप्स क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है, जो हमें पोषण के रूप में शरीर में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिएंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता इसकी पड़ती है, ठीक है। इसमें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें तो पहली चीज़ आ जाएगी आपकी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट आ जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में ये सब फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है इसको भी क्लासिफाई किया गया है, ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता इसकी पड़ती है मैक्रो न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, यानी ये हमें ज़्यादा मात्रा में, और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये हमें कम मात्रा में प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमारी बॉडी में कम मात्रा में भी चलेगा। तो इसमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाएगा, मिनरल्स, एंड ये हमारा आ जाएगा लास्ट में वाटर, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, विटामिन, विटामिन। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, अब इनको डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि होता क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये सब पढ़ने के बाद फिर इसको और भी ज़्यादा डिटेल में
पढ़ेंगे, क्लासिफाई केक करेंगे, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन इफ टॉपिक से ना रहे। हमारा जितना भी जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट जैसे कि अभी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आते हैं। ठीक, फिर इधर आ जाता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स आ जाएगा और वाटर है। ठीक है, वाटर जो होता है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये ब्लड के सर्कुलेशन में सहायता प्रदान करता है, और जब ये जो है प्रॉपर होगा तो क्या होगा, हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की फंक्शनिंग जो होगी बॉडी में वो अच्छी होगी, अच्छी तरह से होगी। फिर हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दिस इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप सभी को पता है कि हमारा 1 ग्राम, जैसे फैट है, फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें है, बाकी उसमें 4 है। तो हमारा ये जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इधर देखा गया है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है नंबरिंग में। ठीक है, यूनिट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि एक शुगर यूनिट्स है, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये एक सिंपल शुगर होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, सिंपल शुगर होते हैं, और ये जो ये यूनिट्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की पार्ट है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसको क्लासिफाई किया गया है इन शुगर यूनिट्स में, जो कि 4 यूनिट्स इन्होंने बताई है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये सिंपल शुगर होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है मोनोसेक्राइड्स होते हैं। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, शुगर एंड लैक्टोज, शुगर एंड लैक्टोज डाइसेक्राइड्स होते हैं। और हमारा ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब देख लेते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड से जुड़े होते हैं, ये सभी को पता है। ये अमीनो एसिड से इनका जो है मेन यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है वो अमीनो एसिड्स है। ठीक है, इससे मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल्स होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें, और ये एक जो जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब हमारा आता है, ये सब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स में जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और ये होता क्या है। फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हाँ विटामिन्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटीन क्या होती है, कितने उसमें क्लासिफाई किया जाता है, सारी चीज़ें। अब ये देख लेते हैं फैट। फैट में क्या होता है, फैट एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया था कि 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, तो फैट एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, सभी को पता है। और इसमें ये जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिल करके ये फैट बनता है। ठीक है, और यही फैट अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो सैचुरेटेड हो जाता है, और यही फैट सिंगल प्लस डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाती है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन में कार्य करती है, बॉडी टेम्परेचर में, हेयर में। ठीक है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर के लिए भी ये फैट जरूरी है, एक लेयर सी बना देती है त्वचा पे। ठीक है, जिससे बाहरी आघात नहीं पहुंचता है, ये सारे कार्य करती हैं। अब आ जाता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने जैसे पढ़ा था विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, तो विटामिन्स जैसे होते हैं, विटामिन्स जो होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, जैसे यहाँ पर है, विटामिन्स बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में के लिए कार्य करती है। विटामिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल।
फैट सोल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो हमारे फैट में सोल्युबल घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी में जितने भी आ जाते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालमिन, जितने भी आ जाते हैं वो जल में घुलनशील है, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। फिर हमारा वो फैट सोल्युबल विटामिन आ जाते हैं। फैट सोल्युबल वो विटामिन होते हैं जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे ए डी ई के। जैसे एक शॉर्ट ट्रिक है वो बता दे रही हूँ, विटामिन के ई डी ए ऐसे भी बोल सकते हैं, और ए डी ई के इसे उल्टा कर दिया है, तो हम इसे शॉर्ट में देख सकते हैं कीड़ा। ठीक है, ये हमारे फैट सोल्युबल है, फैट सोल्युबल विटामिन है। ठीक, तो ये हम देख लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है मिनरल्स। मिनरल्स कौन से होते हैं? बॉडी के फंक्शन में कार्य करते हैं, और ये हमें फ्रूट सोर्स से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा हो गया। फिर आ जाते हैं जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। फूड सोर्स के